हेलो भाई, राम राम। मैं गमू राजधानी का पीड़ित पति तग्गू राजधानी। तो आप सभी दोस्तों को सहयोग करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, और आप सपोर्ट करिए मेरा। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैंने बड़े बड़े वीडियो स्टार्ट किए हैं तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि लव स्टोरी बहुत लंबी चौड़ी है। तो एक दिन में तो सारे वीडियो डाल नहीं सकता हूँ, तो डेली एक वीडियो डालूँगा। और दोस्तों, हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं एक पुरुष हूँ, तो पुरुष होना कोई गुनाह नहीं है, और पुरुष और महिला एक समान है। और आपके भी जितनी भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको मैं एक बोलना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि आपके भी भाई है, सबके भाई है, तो उन भाई के साथ मेरे जैसी वारदात बीती तो आप क्या महिला का सपोर्ट करती या भाई का सपोर्ट करती, सही सही बताना। तो दोस्तों, एक और बहुत बड़ा ब्लॉग आने वाला है, उस पीड़िता के साथ जो शिक्षिका लगी हुई है, साथी शिक्षिका, उसके साथ भी अन्याय हुआ था, तो उसके बहुत ज्यादा बड़े बड़े सबूत मेरे पास है, लेकिन वो आगे बताऊंगा। पहले जो ये गोवर्धन की लव स्टोरी है, इनके सारे सबूत आपके सामने रखूंगा, और ये सबूत पूरे होने पर फिर नए किरदार के सबूत स्टार्ट करूंगा। तो जी, अब पूरा वीडियो आराम से देखिए और मुझे सजेशन दें कि मैं कहाँ गलत था। और मैं ये वीडियो किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, और ना ही किसी को बदनाम करने के लिए बना रहा हूँ। पीड़िता जी ने 2 साल तक मेरी वीडियो बनाई, और आप सभी गाइस ने वो वीडियो देखे, तो मुझे भी मौका दीजिए मेरा पक्ष रखने के लिए। और मैं मेरा पक्ष 2 साल तक नहीं रख पाया, और अभी मुझे मौका दीजिए, मैं भी मेरा पक्ष रखूं, ताकि आम पब्लिक को, आम ऑडियंस को पता चले कि हकीकत क्या था। और मुझे जो 2 साल तक बदनाम किया गया पीड़िता जी द्वारा, क्या वो बदनामी मेरी सही थी या गलत थी? तो पीड़िता जी, आप कोई बाधा नहीं डाले, मुझे मेरा पक्ष रखना दे। मैंने भी, आपने जब 2 साल तक मेरे खिलाफ वीडियो बनाए, तो मैंने कोई आपकी बाधा नहीं डाली, तो आप मुझे पक्ष रखने का मौका दे। और आप जो भी मेरे वीडियो पर रिएक्शन का वीडियो बना सकती हो और जवाब दे सकती हो, आपको मैं छूट देता हूं पीड़िता जी को। यदि आपके पास कोई जवाब हो तो आप जवाब दे सकती हो, क्वेश्चन कर सकती हो, बिल्कुल मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। नहीं तो आप मेरे इस चैनल पर बाधा नहीं डालें, और आपके जो अंधभक्त है उनको भी थोड़ा रोके, कोई गलत कमेंट नहीं करें, किसी प्रकार की बाधा नहीं डालें। तो जी, आपको बता देता हूं गाइस, मेरे साथ जो कल वीडियो अपन ने एंड किया था, कहां पर एंड किया था, जहां मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया था 15 मार्च को पुलिस थाना सदर बाड़मेर में। तो नेक्स्ट अपन आज यहां से पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं।
तो पार्ट टू के अंदर आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जी मैंने 15 मार्च को जो प्रार्थना पत्र दिया उस पर पुलिस विभाग ने एक्शन नहीं लिया। यदि पुलिस विभाग एक्शन लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। उस दिन मेरे खिलाफ कोई मुकदमे उससे पहले नहीं थे, ये सारे मुकदमे बाद में हुए। और पार्ट वन में मैंने 4-5 प्रश्न पीछे पूछे हैं जो पीड़िता जी को, पीड़िता की मर्जी हो तो जवाब दे सकती हैं और नहीं मर्जी हो तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आगे भी मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें भी मैंने 2 सवालों का जवाब दिया, लेकिन पीड़िता जी ने वापस उस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, नो प्रॉब्लम। हमने भी पीड़िता जी के 2 साल तक वीडियो सुने हैं तो अब पीड़िता जी को भी सुनना पड़ेगा। हमें सुनाया है तो सहन करने की क्षमता होनी चाहिए उनमें भी। हमने सुना है ना उनकी वीडियो, और मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा अब सबूत के साथ ही बनाऊंगा, बिना सबूत के वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो चलते हैं आगे। पीड़िता जी, मैंने आपको 14 फरवरी 2021 को मैसेज किया था कि मैं मौका आने पर आपको पूछूंगा, तो आपने रिप्लाई दिया था कि अब तो तेरे सामने बात करूंगी, जो करना है करूंगी, तू कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। जी, आपने बहुत रेस्पॉन्स वाला जवाब दिया है, तो मैं 2 साल तक चुप रह गया था, और आपने आगे लिखा, ये तूने तेरी ज़िंदगी की आखिरी गलती कर दी है। जी, मैंने गलती की है, क्योंकि मैंने आपको वहाँ से रोका था, और तू जानता है कि मैं खाली धमकी नहीं देती हूँ। जी, ये तो आपका डायलॉग है, आप हर एक कोई बोलती हो। अभी आपने मेरी वो एक बहन है उसको भी आपने बोला था कि मैं खाली धमकी नहीं देती हूँ, तो ये तो आपका पुराना डायलॉग है, बिल्कुल सही है आपकी बात। तो अभी मुझे मौका मिला, लेकिन पीड़िता जी, अब तो मैंने आपको बिल्कुल खुला कर दिया है, खुली छूट दे दिया। आप अब आराम से बात करो, जहाँ रहना है जहाँ रहो, मैं कुछ नहीं उखाड़ पाऊँगा, आपको खुली छूट दे दी है, लेकिन अब मैं पूछ तो सकता हूँ। तो पीड़िता जी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको 2 से 4 मौके मिले थे, उस टाइम बहुत टाइट पकड़ा था, तो क्या आपके अब वो पसलियाँ ठीक हो गई है या दर्द कर रही है? इसका थोड़ा मुझे कल वीडियो में जवाब देना जी। और पीड़िता जी, दूसरा मेरा सवाल है कि उस गोवर्धन ने से आपने पूछा था कि लाइफ में हमेशा साथ जीने के लिए तुम एक्सेप्ट करोगे या नहीं, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, और आपने पूछा कि सब सोच समझ के बताना और जवाब देना, बुरा नहीं लगेगा, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था, तो क्या वो आपके कांटेक्ट अभी बना हुआ है, एक्सेप्ट है, या कांटेक्ट टूट गया है? तो पीड़िता जी, सेकंड सवाल का भी मुझे जवाब चाहिए। तीसरा सवाल है पीड़िता जी मेरा कि आपके भाई के बीच में एक बात हुई थी, उसमें आपने लिखा है कि टीके जी का मैसेज आया तभी मुझे डाउट हो गया, और फोन हैंक वाली बात थोड़ी बहुत बात से नहीं होती है, मैं आती हूँ वीडियो बना के। क्या आपका फोन हैंग हुआ था उस टाइम 14 फरवरी 2021 को? और ये तो सुबह से पूरी दुनिया को बता रहा है। जी हाँ, तो क्या आपका फोन हैंग हुआ था 14 फरवरी जो 2021 को आपके उस गोवर्धन से व्हाट्सएप चैट बात हुई थी, तो फोन हैंग हुआ था क्या आपका? पीड़िता जी, चौथा सवाल मेरा ये है कि आपके घर पर भैंस थी, तो आप घी लाने का बहाना बनाकर कहाँ पर जा रही थी? इसका भी मुझे जवाब चाहिए। पांचवा सवाल है पीड़िता जी कि ये भूमि की मम्मी कौन है, इसको न्याय कब मिलेगा? और आप वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल किसको बोल रही थी करने के लिए, वो तो ड्यूटी पर था, तो ये भूमे की मम्मी कौन है और इसको कब न्याय दिलाओगी आप? और पीड़िता जी, मेरा
छठा सवाल है कि उस गोवर्धन की चॉकलेट कैसी थी, उसका स्वाद आ रहा था या नहीं आ रहा था, कौन सी चॉकलेट थी, थोड़ा जरा बताना जी। सभी ऑडियंस सुन रही है, आपके वीडियो देख रही है, तो आप उनको बताइए। तो सभी गाइस, आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप मुझे गलत बता रहे थे। कोई बात नहीं, आपको मालूम नहीं था क्योंकि एक तरफ से तूफान आ रहा था, अब दोनों तरफ से तूफान आने लगे हैं। तो दोस्तों, ऑल गाइस, YT फैमिली से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुझे न्याय दिलावे और उस फोमे की मम्मी को भी न्याय दिलावे। और जो इस फिल्म में आगे और कई किरदार आएंगे उनकी महिलाओं को भी न्याय दिलावे। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप कम्युनिटी पर शेयर करें, अच्छा नहीं लगे तो शेयर मत करें। और आपसे सपोर्ट हो तो सपोर्ट करिए। और Part 3 नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तो बने रहिए हमारे इस तग्गू राजस्थानी चैनल पर। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचेगा। और आप लाइक करना चाहते हो तो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।